कि कोर्ट ने क्या अधिकार दिए हैं, क्या राइट्स दिए हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी को 420 लगाने के। मैं सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस से। कहाँ से? सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस से। जी बोलिए। गुरपाल सिंह बात कर रहा है? जी जी गुरपाल सिंह बात कर रहा है, ये कह रहा हूँ। जी जी बोलिए। कमलजीत कौर को जानता है? जी हाँ जी बोलिए। कोई एस के मित्तल एडवोकेट है, उसने केस कराया 420 मनी चीटिंग का। क्या हुआ है? कोई एस के मित्तल एडवोकेट बदील है, उसने करमजीत कौर के ऊपर 420 मनी चीटिंग का केस कराया आईपीसी धारा 320 के तहत। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते प्रणाम सलाम अलैकुम सत श्री अकाल जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों आज हम बात करेंगे कि कोर्ट ने क्या अधिकार दिए हैं, क्या राइट्स दिए हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी को 420 लगाने के, किस ग्राउंड पे वो ये 420 लगवा सकते हैं आपके ऊपर 420 और आपको जेल में पहुंचा सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप दिल्ली NCR के पास से हैं कहीं से भी और कभी भी किसी भी दिन आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं वो, और जो भी आपकी समस्या है लोन से रिलेटेड उसका समाधान ले सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है मेरे साथ पर्सनली मिलने का या टेलीफोनिकली बात करने का, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर कॉल करेंगे तो इसको कोई रिसीव नहीं करेगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। इसके अलावा अगर इस फोन पे नॉर्मल कॉल करेंगे इस नंबर पे तो इसको कोई रिसीव नहीं करेगा। साथियों सबसे पहले तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पैसे दे दें, क्योंकि नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगा। बहुत से लोग सेटलमेंट करते हैं, भाई सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ कर रहा है। अगर आप सेटलमेंट करने का मूड बना चुके हैं पूरा मन आपका, तो एक उसका माइनस पॉइंट समझ लें। हर चीज के प्लस पॉइंट है, हर चीज के माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट तो ये हो गया भाई 5 लाख रुपए देने थे, बैंक आपसे 1.5 लाख रुपए ले रहा है, आपकी लॉटरी निकल गई। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि आपका सिविल खराब कर देंगे फ्यूचर में। आप ये ना सोचे कि इस बैंक या NBFC कंपनी से मैंने सेटलमेंट कर ली और फ्यूचर में मुझे लोन मिल जाएगा, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। अब रही बात 420 की, साथियों बहुत से आदमियों को ये जो 54 छाप है इन्होंने डरा के धमका के परेशान हरास कर रखा है, इतना मानसिक परेशानी लोगों को दे रखी है, इतना हरास किया रखा है कि लोग आत्महत्या की कगार पे पहुंच चुके हैं। लाखों आदमियों ने आत्महत्या कर लिया हमारे देश में और करोड़ों आदमी आत्महत्या की कगार पे इन 54 छापों ने पहुंचा दिए हैं। ये खुद से ही पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, ये खुद से ही एडवोकेट बनते हैं, खास तौर पे 30,000 के बनते हैं, खुद से ही जज के रीडर बन जाते हैं, ना जाने किस किस तरह की बकवास और ह्रास करते हैं लोगों को। अब ये 54 छाप भी मेरी वीडियो देखते हैं बहुत से, अब इनको पता लग गया कि इनका बाप आ गया है, ये इनका यमराज है 54 छापों का, इनका सारा बांडा मैंने फोड़ दिया है। अब जो हमारे साथ जुड़ रहा है उनका डर खत्म होता जा रहा है। क्यों? अब ये क्या कर रहे हैं 54 छाप, अब ये हाई कोर्ट के वकील का नाम लेके फोन करने लग गए हैं। पहले तो 30,000 का करते थे, अब इनको पता लग गया अमरदीप कादियान आ गया, यूट्यूब पे जल जला आ चुका है। पिछले एक साल में लगभग 1,000 वीडियो मैं डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत परेशानी अभी आपको आ रही है, आपको सिर्फ वो परेशानी लिखनी है और आगे डिसेंट एडवाइस लिखनी है, तुरंत प्रभाव से अमरदीप कादियान आपकी समस्या का समाधान कर देगा। अब रही बात कि कोर्ट ने क्या इनको राइट्स दिए हैं, ऐसे हमारे देश में कोई कोर्ट ने किसी भी बैंक या NBFC कंपनी को कोई राइट्स नहीं दिए हैं,
कि डायरेक्ट आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सके। साथियों, अगर कोई कोर्ट का आदमी बन के आपको ये बोल रहा है कि 420 दर्ज हो गया है तो ऐसा कभी नहीं होता, या कोई पुलिस वाला बन के बोल रहा है तो आप एक बात समझे, आपसे भगवान ना करे किसी का कत्ल हो गया, क्या वो पुलिस वाला आपको फोन करके ये कहेगा कि भाई यहाँ आ जा, थाने में आ जा, या आपको डराएगा भाई ये पर्चा दर्ज होने वाला है, वो क्या करेगा आपको आगे पकड़ेगा नीचे भागना जाए। अरे 420 भाई, 420 लगती कब है, 420 कब लगती है, किस सिनेरियो में बैंक के एनबीएफसी लगवा सकते हैं? या तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया हो जब लोन लिया था, या आप ओडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हो और आपने 1.5 लाख रुपए देना है, बैंक में 5-10 करोड़ रुपए आपके पड़े हैं, लेकिन ऐसा आम आदमी ने किया नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाए। अगर कोई आपके पास ऐसा फोन आ रहा है, सबसे पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है इस विषय पे पूरी डिटेल में, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइज लिख के वीडियो देखे, आपको सारा पता लग जाएगा, मैंने इनका सारा भांडा फोड़ रखा है। अभी हम आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, 54 छाप कैसे लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं भाई ये मैं फलाना थानेदार बोल रहा हूँ, ASI बोल रहा हूँ, फलाने थाने से बोल रहा हूँ, ये आपके खिलाफ ये पर्चा दर्ज होने वाला है, अगर आपको अपना पर्चा दर्ज करवाना है तो अब पुलिस आपको अभी उठा लेगी, नहीं तो अगर आपको बचाव करना है तो ये इस वकील का नंबर है, इससे फोन पे बात करें, ये आपको बताएगा क्या करना आगे की सारी प्रक्रिया, और इससे फोन करके फिर 10 मिनट के बाद मेरे पास भी फोन करना है, बताना है कि उस वकील साहब ने क्या किया। सबसे पहले तो आप ये समझे, जो ये थानेदार है, जो इंस्पेक्टर है आपके पास फोन कर रहे हैं, ये 54 छाप है, और जिसका ये नंबर आपको दे रहा है वो दूसरा 54 छाप है, ये दोनों 54 छाप साथ साथ में बैठे हैं, पहले इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, दूसरा 54 छाप वकील का रोल कर रहा है, ये आपको डराने और धमकाने के लिए इनकी सारी स्कीम है। लेकिन अब जो हमारे साथ जुड़ो है अमरदीप कादियान के साथ, हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आपको पता ही है डिसेंट एडवाइस के नाम से, उसका तो डर खत्म ही हो गया है। किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास आपको डायरेक्ट जेल में भेजने के कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसको तो छोड़ दे बैंक और NBFC कंपनी को, तो किसी पुलिस वाले के पास भी ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट उठा के आपके घर से आपको जेल में बंद कर दे, चाहे वो पुलिस का कितना मर्जी बड़ा अधिकारी है, और चाहे आपका छोटा क्राइम है, और चाहे सबसे बड़ा क्राइम हमारे देश में है आदमी को मारना, 302 हत्या करना, और सबसे छोटा क्राइम है 751, लेकिन चाहे 751 का केस है, चाहे 302 का केस है, किसी भी पुलिस वाले के पास, चाहे वो कॉन्स्टेबल है और चाहे कितना मर्जी बड़ा पुलिस का अधिकारी है, उसके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार संविधान ने उसको नहीं दिया है कि वो आपको उठा के जबरदस्ती या किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट जेल में भेज दे। नियम क्या है? नियम ये कहता है कि जब पुलिस किसी आदमी को अरेस्ट कर लेती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ता है जज साहब के पास, और जज साहब के पास राइट्स हैं, जज साहब के पास अधिकार है कि वो आपकी जमानत लेंगे, आपको छोड़ देंगे या आपको जेल में भेजेंगे। अगर आपको जेल में भेज भी दिया जज साहब ने, तो जज साहब ही आपको वहां से निकलवा सकते हैं, और किसी के पास कोई राइट्स नहीं है, इन 54 छापों के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी बैंक और NBFC कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स हैं कि आपको डायरेक्ट जेल में भेज दें। डरे घबराए नहीं, जानकार बने, सतर्क रहें, जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे, अपने अधिकार नहीं पता होंगे, आप ऐसे ही डरते घबराते रहेंगे। अभी जो आपने ये वीडियो देखी है जिसमें 54 छाप बोल रहा है कि मैं थानेदार हूं, इसी तरीके से लोगों को डरा और धमका रहे हैं, आपको कोई ऐसी फेक कॉल आ रही है तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको सारा पता लग जाएगा कि 54 छाप किस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आपकी 2-4-5 EMI डिफॉल्ट हुई है, या तो 54 छाप आपको इस तरीके से परेशान कर चुके हैं, नहीं तो 100% ये 54 छाप आपको इस तरीके से परेशान करेंगे। सारे देश में इनका यही तरीका है लोगों को डराने का और परेशान करने का। अगर ये कोई नया तरीका निकालेंगे तो हमारे साथ तो सारे देश के
कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग जुड़ रहे हैं, मुझे पता लग जाए किस तरीके नए तरीके से 54 छाप लोगों को डरा रहे हैं, तुरंत प्रभाव से उसका समाधान और आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आया हुआ 9306347314। अगर आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हैं, दिल्ली NCR के पास आप कहीं भी रहते हैं, तो मैं कुंडली बॉर्डर पे मिलता हूं। आप कभी भी मेरे से कुंडली में TDI में आप कभी भी मेरे से मिल सकते हैं। आपको मिलने का क्या प्रोसेस है मेरे से मीटिंग करने का, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आके मेरे से सलाह ले सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है अगर आपको टेलीफोनिकली जुड़ना है या आपको मेरे से पर्सनली मिलना है। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे जय ससुराल वालों की।